हेलो फ्रेंड्स, तो कश्मीर ट्रेवल सीरीज का आज है एपिसोड 4 और डे 2 हमारा श्रीनगर में। आज 5 जून है और हम आज अपनी होटल गोल्डन सैंड को छोड़कर श्रीनगर के रास्तों से होते हुए निकल पड़े हैं गुलमर्ग की ओर। गुलमर्ग को मेडो ऑफ फ्लावर्स भी कहा जाता है। गुलमर्ग न सिर्फ अपने खूबसूरत पहाड़ों और वैली की वजह से फेमस है, बल्कि यहाँ विश्व का सेकेंड हाईएस्ट ग्रीन गोल्फ कोर्स भी है और देश का सबसे प्रमुख स्की रिजॉर्ट भी है। गुलमर्ग में गोंडोला की जो सवारी होती है वह यहाँ का मुख्य आकर्षण का केंद्र है। यह एशिया की सबसे ऊंची केबल कार परियोजना है। गुलमर्ग के रास्ते में तंगमर्ग नाम की जगह आती है, जो एक खूबसूरत पहाड़ी क्षेत्र है। यहाँ पे भी आपको लाजवाब व्यूज मिलेंगे। जैसे जैसे आप गुलमर्ग की तरफ बढ़ते जाएंगे, आपको पहाड़ी घुमावदार रास्ते मिलेंगे और उस पर मिलेंगे सुंदर देवदार के पेड़ और चीड़ के पेड़। गुलमर्ग आता है बारामूला जिले में। गुलमर्ग के स्कीइंग रिजॉर्ट तक जाने के 2 रास्ते हैं, या तो आप पोनी से जाइए या तो केबल कार से। हम केबल कार की बुकिंग नहीं करवा पाए क्योंकि वो कुछ दिन एडवांस करानी पड़ती है, इसीलिए हम गए ऊपर पोनी से। पोनी से जाने के जो चार्जेस हैं वो ऑफकोर्स गोंडोला राइड से थोड़े ज़्यादा हैं, पर पोनी से जो खूबसूरत नज़ारे मिलते हैं वो गोंडोला से नहीं। तो अभी हम गुलमर्ग में और आप पीछे देख सकते हैं पहाड़ों का व्यू। मैं आपको यहाँ पे एक बात ज़रूर बताना चाहूँगी कि अगर आप में बार्गेनिंग स्किल्स अच्छे हैं तो यहाँ पे आप बहुत ही बार्गेन करके पुनी को सही रेट में ले सकते हैं। हमारे बार्गेन स्किल थोड़े अच्छे नहीं थे, इसलिए हमने 4 पुनी 9,000 में ली और उस पोनी राइड के साथ हमें एक हेल्पर चाहिए था, क्योंकि उन्होंने 4 पोनी के साथ सिर्फ 2 ही बंदे दिए थे, तो उस एक हेल्पर के हमें 1500 एक्स्ट्रा देने पड़े। मेरे पीछे आपको ये मंदिर दिखाई दे रहा होगा, ये वही मंदिर है जहाँ पे राजेश खन्ना और मुमताज के गाने जय जय शिव शंकर की शूटिंग हुई थी। खैर, पोनी राइड कराने से हमें एक और फायदा ये हुआ कि हमारे साथ जो भैया थे वो लगातार मेरी और नज़ारों की शूटिंग कर रहे थे और वो बहुत ही कोऑपरेट कर रहे थे और एक गाइड की तरह हमें एक एक चीज बता रहे थे। जय मां भाई सर, डरो मत डरो मत। ये जो आप मेरे राइट साइड देख रहे हैं यह गोल्फ कोर्स है और यह गोल्फ कोर्स विश्व के सबसे बड़े और हरे भरे गोल्फ कोर्स में से एक है। अंग्रेज जब यहाँ छुट्टियां बिताने आते थे तो उन्होंने ही 1904 में इस गोल्फ कोर्स का निर्माण किया था। क्या नाम आपका? अर्शद सर। अर्शद सर, एक मिनट सर। शाबाश। शाबाश, डरो मत मैम। रास्ते में रिवर क्रॉसिंग पे थी, ऑफकोर्स मुझे डर लग रहा था, बट मजा भी बहुत ही ज्यादा आया। शाबाश। इसका नाम है टिंगना। टिंगना, टिंगना। वाटर झरना, वाटर झरना। इस नदी के बहने की आवाज सच में हमें बहुत ही ज्यादा सुकून दे रही थी। इसलिए मैंने बैकग्राउंड में कोई भी म्यूजिक नहीं डाला और इस झरने की आवाज को आप भी एंजॉय कीजिए। देखो व्यू है, सर मैम छोटो। बीच बीच में जहाँ भी खूबसूरत व्यूज आते थे वहाँ हमारे घोड़े वाले भैया खुद ही हमें बुला बुला कर हमारे बढ़िया बढ़िया फोटो लेते थे। इस बात को तो मानना पड़ेगा कि वो बहुत ही बढ़िया फोटोग्राफर हैं।
अभी हम कुछ दूर चले ही थे कि वहाँ पे स्नोफॉल भी शुरू हो गया। अच्छा मैं आपको एक बात बताना तो भूल ही गई, रास्ते में रुककर हमने एक मैगी पॉइंट आया था वहाँ पे कुछ पेट पूजा भी की थी थोड़ी बहुत। वहाँ पर हमने कश्मीरी पुलाव खाया जो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी था। कंगन डोरी जहाँ पे एक्टिविटीज है वो है कंगन डोरी, वो है गंडोला का सेकंड फेज जो पोल नजर आ रहा है आपको, ये रहा पहाट। इस साइड पड़ता है खिलन मरग। सच कहूं तो मैं उन खूबसूरत वादियों में खोसी गई थी, मैं एक एक सीन को कैमरे में कैद करके अपने साथ लेके आना चाहती थी ताकि वो हमेशा मेरी मेमोरी में रहे और मैं उसे याद करके उन हसीन पलों को जीतती रहूं बार 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 बार।